Kashmir this year has an experience based on which all efforts are on the meet to clear and present danger that the valley faces in what looks as a second bout of floods that the state faces in a span of 6 months. Police and administrations have been continuing the job of evacuating people to safer havens. Meanwhile, with rains, the Met has been open about being alert, minus pressing the panic button. It is heaven open to yet another flood-like scenario. A look at this special NNIS report. फास्ट से लेके एक से लेके तीन तारीख तक बारिश रहेगा. वी आर एक्सपेक्टिंग मॉडरेट रेन, यानी दरमियाने दर्जे के बारिश जो है हर जगह होगा. कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हर जगह पे होगा. हायर रिचेज में स्नोफॉल होगा और पर्टिकुलरली कल रात से लेके दो तारीख के बीच में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकता है. हमने ऑलरेडी वार्निंग जारी की है, सीवियर वेदर वार्निंग जारी की है. तो आप, मेरा यही लोगों से यही इन्फॉर्मेशन, यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पनिक ना हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर रखना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस रखना ज़रूरी है. डरने की, पैनिक होने की बात नहीं है, सेंसिबली कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक वेदर की बात है कि मैंने जैसे बोला, एक आफ्टरनून से लेकर तीन तक क्रिटिकल है, हैवी रेनफॉल होगा. मोस्ट प्लेसेस पे गर्मी ने दर्जे के बारिश हो गए, मॉडरेट रेनफॉल, सम प्लेसेस में, फ्यू प्लेसेस में जो है हेवी रेनफॉल भी होगा. ये बात सही है कि जो असामान्य बारिश है, बाढ़ है, उससे लोग प्रभावित हुए हैं. लेकिन खुशी की बात यह है कि जो स्टेट का सिस्टम है, मशीनरी है, सेंट्रल की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सेना है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ वहाँ पर राहत के लिए लगी हुई है, लोगों में विश्वास जगाने में लगी हुई है. और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से वहाँ निर्देश दिया है कि किस केंद्र की जो कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरत होगी, केंद्र कोई उसमें कोर कसर नहीं छोड़ेगा, पूरी तरह से मदद करेगा. और वहाँ पर स्थिति सामान्य हो, वहाँ पर लोगों को, जो लोग उससे असामान्य बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनको मदद मिले, उनके जख्मों पर मरहम छिड़का जाए, ये हमारी पूरी कोशिश है. और इस दिशा में हमने वहाँ पर दौरा भी किया, जो बाढ़ और वर्षा से प्रभावित क्षेत्र थे उनमें लोगों से भी मिले. द सिचुएशन इज़ क्वाइट नॉर्मल. फॉर द लास्ट 24 to 36 आवर्स वी हैवन हैड एनी रेन, एंड दैट इज़ वाई देर हैज़ बीन नॉर्मलसी ऑफ द सिचुएशन. बट वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. फॉर अदर 24 to 36 आवर्स वी हैव टू बी वॉचफुल. Because Met prediction is that there will be rain and there will be heavy rain, so we are all geared up to that extent. They are worried that if flood hits right now again, they will suffer. We have eight locations. All the locations are active right now. One is in MAT Mini Convention Hall, and second one is Alfia School, and third one, the main hub, is in Sanatnagar right now. All the people are here. You can see there. And government is 95% ready. All the locations are active, and we are trying to help them. That what we can do, we are doing that. We are very thankful. जो यहाँ के volunteers हैं, यहाँ के officials हैं, उन्होंने जो government है यहाँ की खास तौर से, वो बहुत ही ज़्यादा helpful है हमारे लिए. They are taking each and every step to provide us all the facilities that we need present time. इस इलाके से 45 families जो हैं, उनको वहाँ से निकाल के, और यहाँ पे हमारा जो स्कूल, हाई स्कूल है, बोरी हाल में है, हाई स्कूल, वहाँ पे उनको बिठा रहे हैं. उनके लिए हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, और उनको बिठा के जब तक हालात स्टेबल न हो जाए तब तक हम उनको वहाँ नहीं करेंगे. पावर्ड बाय NNIS.